मैपिंग, लोकेटिंग पीपल और प्लेसेस इन अ स्पेस इज कॉल्ड मैपिंग। मैपिंग किसे कहते हैं? हमें कोई भी जो स्पेस दिया होता है उस पर हम अगर पीपल मतलब लोग और जगहों को लोकेट कर दें उसी को कहते हैं मैपिंग। स्केच इज अ पिक्टोरियल चार्ट ऑफ एन एरिया ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सर्फेस लाइक पेपर और अ बोर्ड। स्केच एक पिक्टोरियल चार्ट होता है जिसको हम एक फ्लैट सर्फेस यानी जो एक सपाट सर्फेस होता है उस पर ड्रॉ करते हैं, जैसे कि पेपर हो गया या फिर कोई बोर्ड हो गया, उस पर हम स्केच एक एरिया का किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया का ड्रॉ करते हैं। मैप अ ड्रॉइंग ऑफ द अर्थ सर्फेस और पार्ट ऑफ दैट सर्फेस शोइंग द शेप एंड पोजिशन ऑफ डिफरेंट प्लेसेस इज कॉल्ड अ मैप। मैप क्या है? एक ड्रॉइंग है अर्थ के सर्फेस की, या फिर हम एक उस सर्फेस पर्टिकुलर सर्फेस की ड्रॉइंग बनाते हैं जिसके हमें कोई शेप या फिर पोजिशन दिखानी हो डिफरेंट प्लेसेस की, डिफरेंट जगहों की, उसे कहते हैं मैप। वॉट आर द फोर कार्डिनल डायरेक्शंस एंड हाउ आर दे यूजफुल? चार कार्डिनल डायरेक्शंस कौन सी होती हैं और वो कैसे यूजफुल होती हैं? द फोर कार्डिनल डायरेक्शंस आर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। जो चार कार्डिनल डायरेक्शंस होती हैं वो कौन सी होती हैं? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। These directions helps us to locate places. और ये useful कैसे होती हैं cardinal directions? ये direction help करती हैं हमको जगहों को locate करने में। What is a plan? A plan is a drawing. Plan क्या है? A plan is a drawing of a building, town, area, vehicle, machine, etc. That shows its shape from above, its size and the position of important detail. प्लान क्या है? एक ड्राइंग है किस चीज़ का? बिल्डिंग, टाउन, एरिया, जो भी चीज़ हमें बनानी होती है, कोई व्हीकल हो गया, कोई मशीन हो गई या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें उसके शेप के बारे में बताती है, उसका साइज़ क्या होगा और उसकी और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स कि कौन सा सामान कहाँ लगना है, क्या पोजिशन है, ये सब। विच टाइप ऑफ मैप्स डू सेलर्स यूज़? जो सेलर्स होते हैं वो कौन सा मैप यूज़ करते हैं? सेलर्स कौन होते हैं? सेलर्स वो इंसान होते हैं जो बोट या फिर शिप पे काम करते हैं। तो सेलर्स यूज नॉटिकल चार्ट्स टू प्लान देयर जर्नी टू नेविगेट शिप्स। अब जो सेलर्स होते हैं वो नॉटिकल चार्ट्स का यूज़ करते हैं ताकि वो अपनी जर्नी को प्लान कर सकें और सही रास्ते से जा सकें। नॉटिकल चार्ट एक मैप होता है जो हमको पानी की गहराई के बारे में बताता है, जो डेंजरस जगहें होती हैं उन्हें उनके बारे में बताता है और हमको सही जगह के लिए नेविगेट करता है, यानी सही जगह का रास्ता बताता है। मैप्स आर ड्रॉन अकॉर्डिंग टू स्केल टू हाईलाइट फीचर्स ऑफ अ प्लेस। द प्लान ऑफ अ हाउस हैज़ टू बी मेड एज इट हेल्प्स इन इट्स प्रॉपर कंस्ट्रक्शन एंड बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस। घर बनाने से पहले उसका एक प्लान बना लेना चाहिए, ये ज़रूरी होता है क्योंकि ये हेल्प करता है जब हम घर बनाएं तो उसकी प्रॉपर कंस्ट्रक्शन हो, वो अच्छे से बने और जो भी स्पेस हो उसका हम अच्छे से इस्तेमाल कर पाएं। नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट आर डैश डायरेक्शंस। जो नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट होते हैं वो कैसी डायरेक्शंस हैं? हमारी कार्डिनल डायरेक्शंस। द स्पेस अराउंड योर डैश हैंड इज योर राइट हैंड साइड। जो भी हमारा स्पेस है राइट हैंड साइड पे वो किस साइड हुआ? राइट हैंड को। अ डैश डज नॉट हैव एग्जैक्ट मेजरमेंट्स। किसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट्स नहीं होती? स्केच की। अ स्केच डज नॉट हैव एग्जैक्ट मेजरमेंट्स। डैश हेल्प्स अस टू लोकेट सिटीज, स्टेट्स और अ कंट्री। क्या हेल्प करती है हमें सिटीज, स्टेट और एक कंट्री को लोकेट करने में? मैप्स। मैप्स हेल्प्स अस टू लोकेट सिटीज, स्टेट्स और अ कंट्री। अ डैश इज अ पर्सन हु वर्क्स ऑन अ बोट और अ शिप। वो कौन सा इंसान है जो बोट और शिप पर काम करता है? अ सेलर। अ सेलर इज अ पर्सन हु वर्क्स ऑन अ बोट और अ शिप। ट्रू फॉल्स। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट आर रिलेटिव डायरेक्शंस।
नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट रिलेटिव डायरेक्शंस होती हैं? नहीं, दिस इज फॉल्स. राइट आंसर इज नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट आर कार्डिनल डायरेक्शंस. डायरेक्शंस डू नॉट हेल्प अस टू लोकेट प्लेसेस. फॉल्स. करेक्ट आंसर इज डायरेक्शंस हेल्प्स अस टू लोकेट प्लेसेस. द स्पेस अराउंड योर लेफ्ट हैंड इज योर लेफ्ट हैंड साइड. ट्रू. मैप्स हेल्प्स अस टू लोकेट कंट्रीज सिटीज एंड स्टेट्स. ट्रू. अ सेलर इज अ पर्सन हु वर्क्स एट द एयरपोर्ट. फॉल्स. द करेक्ट आंसर इज अ सेलर इज अ पर्सन हु वर्क्स ऑन अ बोट और शिप. मैच द फॉलोइंग. सेलर नॉटिकल चार्ट. बिकॉज सेलर जो होते हैं वो नॉटिकल चार्ट का यूज करते हैं इसलिए. कार्डिनल डायरेक्शन साउथ. कार्डिनल डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट. तो साउथ इसका पार्ट है. स्केच पिक्टोरियल चार्ट है. रिवर नेचुरल फीचर है अर्थ पे. प्लान ड्राइंग ऑफ अ बिल्डिंग. प्लान क्या होता है? जब भी हम कोई चीज बना रहे हैं उससे पहले उसकी एक ड्राइंग बना लो. विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज बाय सेलर्स. सेलर्स इन सब में से क्या यूज करते हैं? नॉटिकल चार्ट्स, मैप्स, स्केचेस और चार्ट्स. तो सेलर्स जो हैं वो नॉटिकल चार्ट्स का यूज करते हैं. नॉटिकल चार्ट्स उन्हें हेल्प करती हैं सही रास्ता दिखाने में. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कार्डिनल डायरेक्शन. कार्डिनल डायरेक्शन में हमारा क्या आता है? नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट आता है. बिहाइंड नहीं आता तो इसलिए बिहाइंड नहीं है इसका आंसर. अ प्लान इज ड्रॉन आफ्टर अ हाउस हैज बीन कंस्ट्रक्टेड. प्लान को हम तब बनाते हैं. क्या प्लान को हम तब बनाते हैं? जब हमारा घर बन जाता है. नहीं, दिस इज फॉल्स. सही आंसर क्या है? हम प्लान घर बनने से पहले बनाते हैं. देयर आर टू कार्डिनल डायरेक्शंस. फॉल्स. कितनी कार्डिनल डायरेक्शंस होती हैं? चार. नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट. मैप्स हेल्प अस टू लोकेट कंट्रीज. ट्रू. मैप हमें हेल्प करते हैं कंट्रीज को लोकेट करने में. नॉटिकल मैप्स आर यूज बाय सेलर्स. ट्रू. वॉट इज मैपिंग? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ मैप टू लोकेट पीपल और प्लेसेस इज कॉल्ड मैपिंग. मैप बनाने का जो प्रोसेस होता है, मैप बनाते समय जब हम लोग और वो जगह लोकेट कर रहे होते हैं एक मैप पे, उसी को कहते हैं मैपिंग.